और मित्रों क्या हाल चाल है। अब देखो बहुत दिनों से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई है, मतलब अराउंड 3 हफ्ते से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं अपने कुछ काम से ज्यादा बिजी था। तो मैंने कल के दिन ऐसे ही इंस्टाग्राम और मौज ऐप को देखे जा रहा था और मुझे उनमें से कुछ मतलब उनके शॉर्ट वीडियो जिनको बहुत लोग रील्स बोलते हैं मौज वीडियो, तो मैंने ऐसी 3-4 रील्स देखी और उनको देखने के बाद मुझे अंदर से ऐसा फील हुआ कि ये बच्चोदी तो आपको भी दिखाना चाहिए। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहें क्योंकि आपको मैं आज थोड़ी इंटरटेनिंग वाली रील्स दिखाने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बात मेरे साथ। अब देखो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है। निवेदन ये है कि अपने कानों के अंदर ईयरफोनों को घुसेड़ लो क्योंकि खुदा ना रास्ते इस वीडियो के अंदर ऐसे बच्चे ना सकते हैं जो आपके घर वाले ना सुने, ज्यादा अच्छा ही रहेगा और मेरे लिए भी अच्छा ही रहेगा ना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो लगा लेते हैं ईयरफोन को, तो लगाते हैं अपनी पहली वीडियो को, तो लगाओ यार। बेबी आशीर्वाद लो। सदा खुश रहो बेटा। आप रहने दोगे क्या? Well done, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। मतलब लॉन्ड ने हिम्मत करके लड़की को भगा के लाके शादी करवाई। शादी तो करवाई और लड़की ने फर्स्ट ओवर के अंदर ही ऐसी गेंद डाली कि भाई साहब बाकी 49 ओवर तो बंदों को खेलने ही नहीं है। मतलब पहले दिन ही ऐसी हरकत करती, बाकी उम्र भर का क्या होगा पता नहीं। कहां कहां से ऐसे एंटिक लोग आ जाते हैं दुनिया के अंदर, पर कोई बात नहीं, आम बात है। आगे और देखते हैं, लगाओ दूसरी रील को। कुछ भी मतलब बंदा कोरोना से मरे के ना मरे गर्मी से जरूर मर जाएगा। मतलब भैंचोद गर्मी इतनी गाड़ फाड़ हो रही है कि सच बोलना मैं अभी खुद रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, पसीना इतना निकल रहा भाई साहब, बहुत पसीना निकल रहा, पंखा बंद करके रिकॉर्डिंग करनी पड़ी है ऐसी गर्मी के अंदर। फिर भी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला वीडियो के अंदर, लाइक आने वाले नहीं है ना व्यूज इतने अच्छे आने वाले, ये बात सच कह रहा हूँ वो नहीं है क्योंकि तुम लोग बहुत जिद्दी लोग हो। तुम पता नहीं मुजरा वालों को लाइक कर दोगे, भाई को लाइक ही नहीं करना है। फिर भी मैं इस वीडियो में एक और निवेदन करूंगा, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अगर अभी तक टिके हुए हो। आगे और देखते हैं, तो लगाओ ऐसी बच्चोदी को। और वैसे भाई आजकल क्या कर रही है? भाई लोगों को खुश करता हूँ मैं। कितना लेता है एक रात का? ए कॉमेडी वीडियो बनाता हूँ यार। मतलब बंदे ने क्वेश्चन तो सही पूछा पर हमारे महाराज जी ने आंसर कुछ गलत दिया। भाई तेरे को आंसर थोड़ा सही तरीके से देना था क्योंकि ये 2021 चल रहा है और इस साल के अंदर हर चीज पॉसिबल है, तो ऐसा ही लोग समझेंगे। तो अगली बार कोई पूछे तो आंसर थोड़ा क्लियर में दियो, वरना फिर से तेरी इज्जत की फालूदा आइसक्रीम हो जाए। आगे और देखते हैं। और खड़ा है? हाँ पर तुझे कैसे पता? अरे यार अपनी माँ मत चोदाओ। हाँ। हम कहते अपनी माँ मत चोदाओ। इस बंदे के लिए बताऊं दिल से जोरदार तालियां बजाई जाए। मतलब हर किसी का दिमाग उस गुफा के अंदर है और भैंचो इसका तो पता नहीं उसी लेवल में घुसा रहता है, उस गुफा के अलावा इसको और कुछ याद नहीं आता, बस गुफा के अंदर घुसना है। भाई साहब बाहर निकलो वरना मरो भैंकेलन, घुसो घुसो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, आपको वीडियो नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करो और पहले ही फुर्सत से निकलो। और जिन लोगों को इस वीडियो के अंदर अगर अच्छा कुछ लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करो, और जिनको बुराई देनी है तो उनके लिए भी कमेंट बॉक्स खुला है, जाओ अपनी माँ बहन कराओ, जिनको जो करना है वो करो, चैनल सब्सक्राइब करो। और आप सबसे एक और निवेदन है, घर पे रहो, ये वाला कोरोना बहुत बेकार है भाई साहब, बहुत मौतें हो रही हैं, बहुत लोगों को कोरोना हो रहा है, तो इसलिए कह रहा हूँ घर पे रहो, सुरक्षित रहो। और बाबू सुना है वो निब्बा निब्बी वाले, बेटा बाहर मत निकल, पुलिस वाले गाड़ तोड़ देंगे, इसलिए घर में ही बैठे रहो। जब लॉकडाउन खुलेगा तो इज्जत से जाके लंगर मंगर खा लेना। मैं खुद इतने 20 दिन से घर में बैठा हुआ हूँ, मेरा खुद दिमाग खराब हो रहा, तो इसलिए बोल रहा हूँ घर में ही बैठो और बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो इस वीडियो के अंदर आप जिन लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, बाय।